नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे। आज बोल में हम दो मुद्दे आपके सामने लेकर आए हैं। मुद्दा नंबर एक, पाकिस्तान के 13 भारतीय जासूस, और एक ऐसा मुद्दा जिस पर हम सबको चिंता करनी चाहिए मगर सब खामोश हैं, मीडिया से लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी। क्यों, मैं आपको बताने वाला हूं। मुद्दा नंबर दो, अमरीका से आया मेरा दोस्त। ट्रंप आने तो वाले हैं मगर क्या हम अपने स्वाभिमान पर एक तरह से कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके उनका स्वागत कर रहे हैं? ये तमाम मुद्दे आपके सामने होंगे, मगर आगाज करना चाहेंगे हम उस जासूसी प्रकरण के साथ जो आप और हम सबको आईना दिखा रहा है। दोस्तों, जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा खबर क्या है। खबर यह है कि भारतीय नौसेना के 11 से 13 मुलाजिमों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप क्या है कि वो पाकिस्तानी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ये गिरफ्तारी 3 जगहों पर हुई है और ये अपने आप में बहुत चिंतित कर देने वाली खबर है। दोस्तों, ये जो गिरफ्तारी है, मुंबई, कारवाड़ और विशाखापट्टनम, इन 3 जगहों पर हुई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ये गिरफ्तारी हुई कैसे और इसमें आईएसआई ने क्या प्लान ऑफ एक्शन अपनाया। उन्होंने भारतीय नौसेना के ये करीब 11 मुलाजिमों पर निगाह रखी और फिर आईएसआई के जो एजेंट थे वो महिला बनकर उनके साथ चैट करने लगे और जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ने लगी उसके बाद उन्होंने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि अगर आपने हमें सहायता नहीं दी, मदद नहीं दी, तो हम ये जो चैट्स हैं ये तमाम चीजों को हम सार्वजनिक कर देंगे। और उस डर से इन्होंने पाकिस्तानी आईएसआई के लिए काम करना शुरू कर दिया। यही नहीं, हवाला के जरिए उन्हें पैसा भी पहुंचाया जाता रहा और नतीजा ये हुआ दोस्तों कि ये लोग भारत की जो बहुत ही सीक्रेट लोकेशंस हैं या सेंसिटिव लोकेशंस हैं उनकी तस्वीरें खींच खींच कर पाकिस्तान तक पहुंचाते रहे। इतना बड़ा मुद्दा दोस्तों, मगर कहीं पर क्या कोई चर्चा हो रही है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या देश के सामने खबर नहीं आनी चाहिए कि आखिर 11 गद्दार हैं कौन? क्योंकि गद्दारों को लेकर तो आप जानते हैं ना भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है। देश के गद्दारों को गोली मारो, याद है? और यही नहीं, न्यूज चैनल्स ने भी देशभक्ति जैसे शब्द का जो मजाक पिछले 5 सालों में बना रखा है वो भी लगातार सामने उभर कर आता रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि इनके बारे में चर्चा क्यों नहीं की जा रही है? मैंने खंगाला और मुझे पता चला कि जो आरोपी हैं, मैं इनको आरोपी बता रहा हूं, जाहिर सी बात है उन पर आरोप से धोना भी बाकी है, जो आरोपी हैं उनके नामों के मैं आपको कुछ झलकियां देना चाहता हूं। इनमें से किसी का सरनेम मिश्रा है, त्रिवेदी है, अय्यर है, कुमार है, त्रिपाठी है, सिंह है, रावत है, राम भी है। मैं ये कल्पना कर रहा हूं दोस्तों, अगर इनमें से कोई खान होता, मिर्जा होता, डिसूजा होता या जाटव होता, तब हमारे न्यूज चैनल्स में देशभक्ति की कैसी लहर दौड़ पड़ती। मगर आप पूरी तरह से खामोश हैं। मैं एक चीज यहां कहना चाहता हूं कि चाहे हमारे न्यूज चैनल्स हों या भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही देशभक्ति जैसी शब्द के साथ जो मजाक कर रहे हैं, इससे जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आने वाले वक्त में देश को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। आप खुद बताइए, जो लोग देश की जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करा रहे हैं वो देशभक्त तो हो नहीं सकते हैं। अब इस शख्स पर गौर कीजिए, देवेंद्र सिंह, क्या इस मामले की कोई चर्चा हो रही है? ये आदमी एक नहीं दो दो आतंकवादियों को दिल्ली ले जा रहा था, याद है कि नहीं आपको वो खबर? न सिर्फ ये उन्हें दिल्ली ले जा रहा था बल्कि 2001 में जो संसद में हमला हुआ था उससे भी इसके तार जुड़े थे। अफजल गुरु के वकील ने बताया था कि अफजल गुरु पर दबाव बनाकर एक आतंकवादी को इसने कश्मीर से दिल्ली तक पहुंचाया था, मगर देवेंद्र सिंह को प्रमोशन मिला। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से पिछले साल जब कई राजदूत कश्मीर पहुंचे थे धारा 370 हटाए जाने के बाद, तो ये इनके साथ फोटो खिंचवा रहा था। इस तस्वीर में देखिए, वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ फोटो खिंचवा रहा था। आज मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर किसके कहने पर देवेंद्र सिंह जैसी बड़ी खबर पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है? आखिर क्या वजह है कि 11 भारतीय जो हैं वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे होते हैं अगर उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही होती है? क्या देशद्रोह या देशभक्ति जैसे शब्दों को तुमने एक पॉलिटिकल पार्टी की एक किस्म से
राजनीतिक मिल्कियत, उसकी बपौती का एक हिस्सा बना दिया है तुमने। यानी कि हम देशभक्ति की बातें तब करेंगे जब हमें एक पॉलिटिकल पार्टी की जय जयकार करनी हो या एक धर्म को बदनाम करना हो। क्या आपको अंदाजा है दोस्तों, आप और हम अपने देश का किस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं जब हम ऐसे देशद्रोहियों पर सवाल नहीं करते हैं जो असल देशद्रोही हैं। देवेंद्र सिंह पर क्या देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, वो आदमी जो दो आतंकवादियों को ले जा रहा था, क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं है? वाकई मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों कि हम बतौर भारतीय कितने सतही हैं, कितने सुपरफिशियल हैं। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, हम बात करते हैं देशभक्ति की, मगर यह हमारी हकीकत है। और जो हमारा सतही पना है ना, हमारा जो सुपरफिशियल नेचर है, वो सामने एक के बाद एक उभर कर आ रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, मगर स्क्रोल की इस खबर के मुताबिक सिर्फ 3 घंटे के लिए 60 से 80 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, सिर्फ 3 घंटे के लिए दोस्तों। और क्या आप जानते हैं कि खर्चे के नाम पर वहां क्या हो रहा है, वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों दिखाना चाहूंगा। आप जानते हैं कि झुग्गियों को छुपाने के लिए दीवार बनाई गई है। आप जानते हैं ट्रंप को दीवारों से कितना प्यार है। अब इस खबर के मुताबिक इंडिया बिल्ड्स 1,640 foot wall टू हाइड स्लम्स फ्रॉम ट्रंप विजिट। ये खबरें अमेरिका से आ रही हैं कि भारत ने 1,640 foot लंबी दीवार जो है वो बनाई है ताकि जो हमारी झुग्गियों को छुपाया जा सके। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लोग जो कर भी रहे हैं दोस्तों, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। आपके सामने दोस्तों इस वक्त खबर जो है वो किसकी है, खबर है स्क्रोल की, और वो दीवार दिखाई जा रही है जिसके जरिए झुग्गियों को छुपाया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मीट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री। अब इसमें आप देखिए गलती क्या है। एक तो आप अमेरिका का स्वागत कर रहे हैं, आपने दीवार बनाई झुग्गियों को छुपाने के लिए, मगर आपने दीवार में क्या लिखा, दीवार में जो लिखा दोस्तों वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, यानी कि व्याकरण के लिहाज से गलत है, ये गलत अंग्रेजी है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं होता, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होता है। इसके जरिए आपने अपनी मूर्खता का परिचय तो दिया ही है, आप गुजरातियों को बदनाम कर रहे हैं कि उनकी अंग्रेजी ऐसे होती है। कुछ और गंभीर मुद्दे हैं जिस पर हमें गौर करना पड़ेगा। मसलन आपको सुनना पड़ेगा कि ट्रंप इस यात्रा से क्या उम्मीद कर रहे हैं। पहले सुनिए कह क्या रहे हैं। तो ट्रंप कह रहे हैं कि 70 लाख लोग उनका स्वागत करेंगे, जबकि अहमदाबाद में इस वक्त 55 लाख लोग रहते हैं। तो मोदी जी, ये 70 लाख लोग हम लाएंगे कहां से, उत्तर प्रदेश से या बिहार से? ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भारत ने मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? ट्रंप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भारत के अंदर जो व्यापार को लेकर व्यवस्था है उससे खुश नहीं है। एक तो हम खर्चा इतना कर रहे हैं, कुल खर्चा मेरे ख्याल से सिर्फ ट्रंप पर 100 करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। मुद्दा वो नहीं है दोस्तों, हमें उनसे मिल क्या रहा है। क्या आप जानते हैं वो ट्रेड डील जो अरसे से लटकी हुई है वो अब भी लटकी रहेगी? आपको याद होगा कि सितंबर 2019 में जब संयुक्त राष्ट्र आम सभा थी, उस वक्त आपको याद होगा तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ट्रेड डील, भारत और अमरीका के बीच में ट्रेड डील जो है वो जल्द से जल्द वजूद में आएगी। ट्रंप अब भी कह रहे हैं, सितंबर का महीना था, अब वक्त गुजर चुका है, वो अब भी कह रहे हैं कि अब भी ट्रेड डील में वक्त लगेगा। तो सवाल यह कि जब हम इस शख्स को बुला रहे हैं, अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हैं, झुग्गी में रहने वाले अपने जो लोग हैं उन्हें छुपा रहे हैं, तो हमें उनसे क्या मिल रहा है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और खासकर एक ऐसे वक्त हम ये 100 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं जबकि भारत एक बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, क्या ये सवाल उठाए जाने लाजमी नहीं है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल ट्रेड डील को लेकर और भारत और अमेरिका के बीच में दिक्कतें क्या हैं। सिलसिलेवार तरीके से अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत गैर वाजिब व्यापार के तरीके अपनाता है, यानी कि उसके शब्दों में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मुद्दा नंबर दो, भारत के साथ व्यापार में सबसे ज्यादा गतिरोध हैं जो गैर वाजिब हैं। मुद्दा नंबर तीन,
आप जानते हैं, जैसे ही मोदी जी फिर से चुनकर आए थे, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जो एक अरसे से प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट मिल रहा था उसे खत्म कर दिया था। उसके बाद उनका यह भी मानना है कि दुनिया में भारत ऐसे देशों में शामिल है जिसने सबसे ज्यादा अपने उत्पादों पर टैरिफ्स लगा रखे हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच में इतनी सारी दिक्कतें हैं दोस्तों। तो ये यात्रा तो हो रही है, मगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इससे फायदा किसका होगा। आप अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर रहे हैं, झुग्गी में जो लोग रहते हैं उनको छिपा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि दुनिया को पता नहीं चलेगा कि इन झुग्गियों में कौन रहता है और किस अवस्था में रहता है। और यह हाल उस राज्य का है जो गुजरात मॉडल की बात करता है, क्या यह सवाल उठाए जाने लाजमी नहीं है? ट्रंप आए, हम उनका स्वागत करें, क्योंकि भारत अतिथि देवो भव में विश्वास करता है, मगर अपने स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। आप जानते होंगे कि जिमी कार्टर और रिचर्ड निक्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके साथ उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या बर्ताव किया था। इनकी नींव हिल गई थी जब इंदिरा गांधी ने इन्हें आंखें दिखाई थी। आज जब इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हम ट्रेड डील नहीं करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भारत ने मेरे साथ ठीक बर्ताव नहीं किया, और मैं ये नहीं जानता उन्हें किसने बता दिया कि भैया तुम्हारा स्वागत 70 लाख लोग करेंगे, इतने लोग तो अहमदाबाद में नहीं है। तो स्वागत जरूर कीजिए, डिप्लोमेसी जरूर बढ़ाइए, मगर अपनी जमीन को मजबूत करिए, क्योंकि जब आप अपनी जमीन को मजबूत नहीं करेंगे, स्वाभिमान के साथ आप एक तरह से समझौता करेंगे, तो डिप्लोमेसी के कोई मायने नहीं है दोस्तों। राष्ट्र का चरित्र उसके नेताओं के बर्ताव से पता चलता है, मगर यहां लगातार उनके बर्ताव पर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। आप सबसे मेरी अपील कि न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि जैसे ही मैं कोई शो करूंगा सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाएगा। नमस्कार।